हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं टाटा नेक्सॉन 2023 का फेसलिफ्ट देखने के लिए। पुरानी नेक्सॉन का वीडियो हमारे चैनल पे नहीं है, इसलिए मैं जो भी बात करूँगा डायरेक्ट इसकी बात करूँगा, न्यू नेक्सॉन की। पुरानी से कंपेयर में इसको ज़्यादा नहीं करूँगा। ये जो वेरियंट आप देख रहे हैं, यह है इसका क्रिएटिव प्लस एस। इसके जो वेरियंट की स्कीम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक पर्सोना दिए हुए हैं। फर्स्ट है स्मार्ट, जो कि बेस वेरियंट इसका कहलाता है। उसके बाद आता है प्योर, थर्ड पर आता है क्रिएटिव, और इसका टॉप वेरियंट है फियरलेस। मैं ये ट्राई करूंगा कि हम इसके अलग अलग वेरिएंट्स के वीडियो बनाएं, इसलिए मैं वेरिएंट्स में भी ज़्यादा कंपेयर नहीं करते हुए आपको ये बताऊंगा कि क्रिएटिव प्लस एस में हमें क्या क्या टाटा ने ऑफ़र किया है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इसे मैं जब अनलॉक करता हूं तो हमें इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM इसमें मिलता है। उसके बाद हमें सामने इसमें डायनामिक सिक्वेंशियल LED DRLs मिलते हैं और डायनामिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, डायनामिक इंडिकेटर्स मिलते हैं जो आप अभी देखे इसमें जो मूवमेंट हो रही है। उसके बाद हमें इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर का फिनिश मिलता है, पूरा पियानो ब्लैक इसमें फिनिश दिया हुआ है, जो इसके लुक को बहुत इम्प्रेसिव बना रहा है, स्टाइलिश बना रहा है। सेंटर में है टाटा का लोगो। टाटा के लोगो के नीचे आप यहाँ पे फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें 360 कैमरा भी मिलता है क्रिएटिव में। और यहाँ पे इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। उसके बाद साइड में हमें LED हेडलैम्प मिलते हैं। देखिए LED हेडलैम्प से इसमें नीचे फॉग लैम्प आपको प्योर में फियरलेस वेरिएंट में मिल जाएगा, क्रिएटिव में हमें फॉग लैम्प नहीं मिलता है। यहाँ पे है एयर कर्टेन, नीचे ग्रिल का डिज़ाइन भी देखिए, और यहाँ पे मुझे हॉर्न इसका विजिबल है, हॉर्न दिख रहा है। ऊपर हमें मिलते हैं इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स। यहाँ पे इसका सेंसर है, रेन सेंसिंग वाइपर हमें इसमें मिल जाता है। दो वाइपर है और दो वॉशर है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात किए तो जो टाटा का डिज़ाइन लैंग्वेज है, बिजी डिज़ाइन लैंग्वेज, वो आपको साइड में भी मिलेगा। बहुत सारे कर्व इस गाड़ी में मिलते हैं। फ्रंट से देखिए पीछे तक पूरे कर्व आ रहे हैं। और हमें जो ओल्ड नेक्सॉन में वाइट कलर की यहाँ पे एक स्ट्रिप आती थी, वो इसमें ब्लैक हो चुकी है। असल में वो ओल्ड नेक्सॉन में भी हमें उसमें कलर के ऑप्शंस थे, लेकिन मैक्सिमम हम उसे वाइट में ही देखते थे, इसलिए हमें लगता है कि वाइट आती है। इसमें वो हर वेरियंट में आपको ब्लैक कलर में मिलेगी, जो मुझे अच्छी लग रही है। ऊपर हमें मिलता है इसमें ये डुअल टोन कलर देख रहे हैं हम क्रिएटिव प्लस में। नीचे हमें ओशियन क्रिएटिव ब्लू कलर दिख रहा है, ऊपर वाइट कलर है। और ये यहाँ पे है इसके रूफ रेल्स, जो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बी पिलर पे हमें ब्लैक साइड स्टेप मिलता है। पीछे भी वही पैटर्न आपको ब्लैक दिखेगा, जो गाड़ी के डिज़ाइन को अच्छा अट्रैक्टिव बना रहा है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हमें मिलते हैं। ड्राइवर साइड से हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा, को पैसेंजर साइड से रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 208 mm, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। ये SUV सेगमेंट की गाड़ी है, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस इसमें इतना मिल रहा है हमें। अलॉय व्हील्स हमें इसके क्रिएटिव वेरिएंट से मिल जाता है। इसके नीचे स्टील व्हील आएगा, फियरलेस में भी हमें अलॉय व्हील मिलता है। अलॉय व्हील के अंदर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्लास्टिक का थोड़ा ट्रीटमेंट है इसके डिज़ाइन को। एक्चुअली जब मैं ये अलॉय व्हील ऑनलाइन देखा था तो मुझे इसका लुक इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन जब मैं इसे अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। टायर का साइज़ है 215/60R16, काफ़ी अच्छा टायर साइज़ भी हमें इसमें ऑफ़र किया हुआ है। ORVM पे हमें साइड का कैमरा मिल जाता है, जैसा मैं बताया हूँ आपको कि इसमें 360 कैमरा है, तो यहाँ पे इसका साइड का कैमरा प्लेस किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्सॉन 2023 का बैक प्रोफाइल। आप देख रहे होंगे कि आपको रियर वाइपर इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने ऑफ़र नहीं किया हुआ है। इसका जो रियर वाइपर है वो रियर स्पॉइलर के नीचे छुपा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो अंदर से निकलता है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है। क्रिएटिव में आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलता है, वो आपको फियरलेस में मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो LED का सेटअप है वो कनेक्टेड LED आपको पीछे मिल जाता है, LED टेल लैंप्स। यहाँ पे एक टाइगर बना हुआ है, लॉट ऑफ ईस्टर एग्स है। यह है टाटा का लोगो। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ नहीं मिलता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी LED है, पूरा आपको LED का सेटअप मिलेगा, एक्सेप्ट रिवर्स लैंप। रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे बल्ब आता है, और यह है रिफ्लेक्टर्स। यह है इसके दो पार्किंग सेंसर। यह है नेक्सॉन की बैजिंग। नीचे स्किड प्लेट मिलता है, उसके नीचे एग्जॉस्ट है, और यह है स्पॉइलर, और ऊपर शार्प फिन एंटेना हमें इसमें मिल जाता है ब्लैक कलर का, वाइट के ऊपर ब्लैक कॉन्ट्रास्ट वो कर रहा है। पीछे भी हमें पूरे डायनेमिक इंडिकेटर्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो तीन लाइन दिख रही है, यह पैटर्न को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि फ्रंट के जो इंडिकेटर्स थे LED लाइट्स थे, DRS थे, उसमें भी हमें यह पैटर्न मिला था। यहाँ पे भी वो तीन लाइन है, और इसके अलॉय व्हील में भी वही लाइंस का पैटर्न जो है इसने नेक्सॉन के अंदर फॉलो किया हुआ है, जो इससे एक अच्छा लुक दे रहा है। तो आइए इसका बूट ओपन करके देखते हैं।
यह रियर पार्सल शेल्फ, यहाँ पे एक एक्सेसरी सॉकेट दिया हुआ है जो आप पीछे के रो वाले सेकंड रो के लोग यूज़ कर सकते हैं उसका। 382 लीटर का बूट स्पेस हमें इसमें मिलता है। यहाँ पे चार हुक मिल जाते हैं हमें जिसमें हम कुछ बैग वगैरह लटका सकते हैं। 3 kg की उस पर लिमिट लिखी हुई है, 3-3 आप 12 kg का इसमें वेजिटेबल्स वगैरह के बैग इसमें लटका सकते हैं। यहाँ पे फियरलेस में हमें सब वूफर मिलता है, लेकिन ये क्रिएटिव वेरिएंट है, इसके अंदर सब वूफर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे भी स्पेस इसमें मिल रहा है। यहाँ पे है इसका एक लाइट बूट में, और स्टील व्हील हमें इसमें मिल जाता है एज अ स्पेयर व्हील। लोडिंग लिप हाई नहीं है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इतना बड़ा बूट स्पेस हो कि आप इजीली कोई भी सामान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। 60-40 का स्प्लिट हमें इसमें नहीं मिलता है, वो भी आपको फियरलेस में मिलेगा। फियरलेस पे भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले हम इसका को पैसेंजर साइड का डोर ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका डोर, जो कलर बाहर से है वही कलर का फिनिश हमें डोर पे भी मिल रहा है पूरा। यहाँ पे ये लेदर दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे वाइट कलर का फिनिश इसमें आ रहा है। डोर काफ़ी अट्रैक्टिव लुक इसमें मिल रहा है हमें। यहाँ पे है बॉटल होल्डर, इस साइड में आप बॉटल रख सकते हैं, इस साइड में कुछ और सामान रख सकते हैं। इधर में अम्ब्रेला होल्डर हमें मिला है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, और ये सिल्वर क्रोम का फिनिश है जो डिज़ाइन को अच्छा कर रहा है। प्लास्टिक पे भी हमें टेक्सचर मिल रहा है, पूरा प्लेन प्लास्टिक कहीं पे भी नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी क्वालिटी प्लास्टिक का अच्छा है। यहाँ पे मिलता है हमें डोर पे रिफ्लेक्टर, ये चीज़ हमारे काम में आती है। जब हमारी गाड़ी कहीं रात में खड़ी हुई है रोड पे, तो पीछे के रिफ्लेक्टर से तो दिख जाता है कि गाड़ी खड़ी हुई है, पार्क हज़ार लाइट ऑन रहता है, उससे भी दिखता है कि गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन अगर हमारा डोर ओपन है तो ये लाइट उस वक्त हमारे काम में आता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे को पैसेंजर साइड के एयर बैग का ऑन ऑफ करने के लिए स्विच। इसकी सीट को मैं पीछे लेता हूँ, ये इतना डिफिकल्ट है। लीजिए कैमरा, बैठने के बाद वो काम बहुत आसान हो गया, बाहर से डिफिकल्ट लग रहा था। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें वेजिटेबल के लिए हुक मिला है। बहुत सारी वेजिटेबल हम इस गाड़ी में खरीद सकते हैं। और देखिए यह है इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स हमेशा की तरह इधर उधर से नहीं खुलता है, उसके लिए एक बटन है, वो दबा प्रेस करेगा आप तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे दो हमें इसमें ग्लव बॉक्स के अंदर कप होल्डर मिलते हैं, ये कूलिंग को सपोर्ट करता है। अंदर देखिए, अब ये बात मैं आपको उधर से बैठ के बताऊँगा कि यहाँ पे कप होल्डर क्यों दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको एक टाइगर दिख रहा है। तो चलिए अब ड्राइवर साइड का डोर ओपन करेंगे हम। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, फ्रंट डोर ओपन करता हूँ। इधर से भी डोर पे हमें उसी टाइप का पूरा फिनिश मिलता है। यहाँ पे इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे उसी तरह से जैसा हम उधर देखे थे, बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर वगैरह सब हमें मिलता है। और ORVM के कंट्रोल यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM हमें इसमें मिलता है। यहाँ नीचे थोड़ा स्पेस है कुछ रखने के लिए, उसके नीचे आप पैडल्स देख रहे हैं, ये जो हम मैनुअल वेरिएंट देख रहे हैं इसलिए इसमें यहाँ पे पैडल्स दिए हुए हैं क्लच वगैरह के। हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर है। पेट्रोल लीड ओपन करने के लिए यहाँ नीचे है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है हमें, वेंटिलेटेड सीट क्रिएटिव में नहीं मिलती है, उसके लिए आपको फियरलेस पे जाना पड़ेगा, वो भी फियरलेस में क्लियर हो जाएगा। और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जो आपकी नज़रें ढूंढ रही थी, वह यहाँ पे इसका 2-spoke स्टेयरिंग, इसकी डिटेल भी हम देखते हैं अभी। तो यह है टाटा नेक्सॉन का 2-spoke स्टेयरिंग व्हील, और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं इसमें इल्यूमिनेटेड लोगो हमें मिलता है। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं। ये देखिए, जब अभी तक ये जो प्लेन ब्लैक स्क्रीन था, इसमें अब लोगो आ चुका है टाटा का। कैमरे की क्वालिटी देख लीजिए आप, इसमें 360 कैमरा जो हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे हमें दिख जाती है। 3D व्यू भी इसमें मिलता है हमें, 2D भी मिलता है, दोनों साइड का अब हमें दिख रहा है, बहुत सी सेटिंग इसमें मिल जाती है। और कैमरे की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और यह है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये क्रिएटिव वेरिएंट है इसलिए इसके अंदर हमें कस्टमाइजेबल तो मिल जाएगा, हम थोड़ा इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमें नेविगेशन वगैरह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, उसके लिए भी आपको फियरलेस पे जाना पड़ेगा। इसमें हमें पूरी सेटिंग मिल जाती है, ट्रिप इंफॉर्मेशन, स्पीड, टैकोमीटर और डिस्टेंस टू MT, सीट बेल्ट रिमाइंडर, कोई डोर वगैरह ओपन है तो उसका भी पूरी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिल जाती है। यहाँ पे इधर ओडोमीटर दिख रहा है, 47 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और डिस्टेंस टू MT 90 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ पे देखिए, इधर से है इसके वॉइस कंट्रोल, ऑडियो के कंट्रोल, और ब्लूटूथ वगैरह का भी इसमें आप देख सकते हैं।
राइट साइड में हमें मिलता है क्रूज़ कंट्रोल। यहाँ पे नीचे ये जो बटन है ये इसमें तो यूज़लेस है, लेकिन आपको फियरलेस वेरिएंट में इससे आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी सेटिंग मिल जाती है कि आपको उसका कस्टमाइजेबल जो हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं उसकी सेटिंग उसमें मिल जाती है। यहाँ साइड में भी मुझे ए पिलर पे एयरबैग की बैजिंग दिख रही है। इधर के सनवाइज़र में हमें मिरर नहीं मिलता है। ऑटो डिमिंग का IRVM इसमें हमें मिल जाता है। लेफ़्ट साइड के सनवाइज़र में हमें मिरर ऑफ़र किया हुआ है। यहाँ ऊपर लाइट है, सनरूफ का बटन है और ऑन ऑफ आप पैसेंजर एयरबैग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए यह है इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसकी क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। इसके अंदर हमें आयरा कनेक्ट तो नहीं मिलता है, वो आपको उसमें मिल जाएगा फियरलेस में, लेकिन इसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है और क्लाइमेट की भी जो AC का सेटिंग है वो भी हम इस पे से कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन, मीडिया, इमेज व्यूअर, रेडियो है, क्विक सेटिंग में भी बहुत कुछ है। इसका टच का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। ठीक है, मैं ज़्यादा इसकी सेटिंग में इधर उधर नहीं करता हूँ। सर्च भी कर सकते हैं, हम फ़ोन बुक में सर्च कर सकते हैं इसके AC के कंट्रोल से। यह है इसके सेंटर के AC वेंट्स। साइड के AC वेंट्स भी वही डिज़ाइन है। डैशबोर्ड पे हार्ड प्लास्टिक होने के बावजूद भी क्वालिटी अच्छी है कि प्रीमियम फील आ रहा है। यहाँ पे एक ग्रे कलर की स्ट्रिप गई है, पूरी पट्टी गई हुई है। उसके ऊपर टेक्सचर अलग है, नीचे टेक्सचर अलग है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे लेदर फिनिश का पूरा ये पैनल दिया हुआ है, जिसपे स्टिचिंग भी दिख रही है, तो इसे काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा है। उससे थोड़ा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो भी AC वगैरह के कंट्रोल आते थे बटन्स पूरे निकाल दिए गए हैं। और यहाँ पे एक टच पैनल दिया हुआ है, हर चीज़ टच से इसमें हैंडल होगी। यहाँ पे 360 कैमरा, अगर मैं इस पर टच करता हूँ तो ऊपर कैमरा ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ दो बटन इसमें दिख रहे हैं हमें, AC के कूलिंग के लिए और AC के फैन की स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो ईजी हो गया है उस वजह से। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यह ऑटो का बटन। यहाँ पे अगर मैं दबाऊँ तो AC ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। मुझे कूल एयर आना शुरू हो चुकी है, आपको शायद आवाज़ भी आ रहा होगा। कैमरा बंद करता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफ करता हूँ। चलिए, यह हज़ार्ड लाइट बटन यहाँ पे। और एक्सप्रेस कूलिंग वगैरह जो है वो आपको फियरलेस में मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलता है। उससे थोड़ा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट है। टाइप सी का भी पोर्ट हमें इसमें मिल रहा है और टाइप ए का भी पोर्ट इसमें मिल रहा है। यह है गियर नॉब और यह है मोड सिलेक्टर। इसमें हमें तीन मोड मिल जाते हैं, एक सिटी, एक इको, एक है स्पोर्ट। और यह है इसका हैंड ब्रेक। और यहाँ पे हमें कप होल्डर मिल रहा है, बॉटल होल्डर मिल रहा है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो इसका फियरलेस वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है और यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। उस वजह से यहाँ पे कोई कप वगैरह रखने के लिए स्पेस उसमें नहीं बचती है, इसलिए कंपनी ने ऐसा किया है कि ग्लव बॉक्स के अंदर दो कप होल्डर रख दिए हैं। अब हर गाड़ी में अलग अलग ग्लव बॉक्स लगाने के बजाय उन्होंने हर गाड़ी में सेम यूज़ किया है। क्रिएटिव के अंदर आपको वहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा रखने के लिए, यहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन फियरलेस में आपको कप होल्डर सिर्फ वहीं पे मिलेंगे और वो कूलिंग को सपोर्ट करता है। ये चीज़ अच्छी है। ये जो वेरिएंट हम देख रहे हैं क्रिएटिव प्लस S है, जहाँ पे भी S आ जाएगा वहाँ पे सनरूफ आ जाएगा। आपको हर वेरिएंट में बेस वेरिएंट से सनरूफ ऑफर किया है कंपनी ने, आप ले सकते हैं। अगर आप S वेरिएंट ले रहे हैं, स्मार्ट S, प्योर S, क्रिएटिव S और फियरलेस S, तो उसमें आपको वॉइस असिस्टेड सनरूफ मिलता है। मैं ये ओपन करता हूँ यहाँ से और ट्राई करते हैं हम। हे टाटा, ओपन द सनरूफ। देखिए, ओपनिंग सनरूफ, सनरूफ ओपन हो रहा है, देख लीजिए। थोड़ा आवाज आया मुझे सनरूफ के ओपन होने का, इतना स्मूथ नहीं है। मे बी शायद उसमें वहां पे प्लास्टिक कवर वगैरह लगा हुआ है, उसका साउंड भी हो सकता है। अब हम क्लोज करते हैं और मैं ऊपर से व्यू ले लीजिए एक बार सनरूफ का। हे टाटा, क्लोज द सनरूफ। Say a command. Sunroof बंद करो। Okay, sunroof बंद कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने हिंदी में कहा है कि सनरूफ बंद करो, क्योंकि ये जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। ये चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी है। आपके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है, आप इंडिया में रहते हैं, ऐसे हिंदी में भी बोलेंगे तो ये आपकी बात को सुन लेगा और समझ लेगा। तो यह है हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, ये भी एक चीज़ मैं बता रहा था आपको। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट हमें इसमें मिलता है, यहाँ से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। क्या हो गया भाई,
ये जो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है ये भी आपको एस में मिलेगा। अगर आप क्रिएटिव प्लस लेते हैं तो उसमें दो चीज़ें नहीं आएगी, सनरूफ और हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, और अगर आप क्रिएटिव प्लस एस लेते हैं तो उसमें ये दो फीचर ऐड होकर आ जाएंगे, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए। अब हम इसका फ्रंट से पीछे जाते हैं, पीछे स्पेसिंग वगैरह देखते हैं। ये सीट में मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, इस बार हमने पहले फ्रंट देखा है उसके बाद पीछे जा रहे हैं। चलिए ये सीट एडजस्ट हो गई, अब मैं उतरता हूँ और पीछे जाता हूँ, की इसका यहाँ रख देता हूँ। ये जो सीट है ये ऑल द वे बिहाइंड करी हुई है, आपने जब देखा मैं इसे पूरा पीछे कर लिया था। अगर ये सीट को पूरा पीछे कर लेते हैं तो हमें इतना स्पेस इसमें मिलता है, मैं पहले इधर बैठ के बता दूंगा। पूरी सीट पीछे करने के बाद भी मेरे पैर इसमें फंसे नहीं है, आ गए हैं। 6 फीट के अगर आपकी हाइट है तो आप देख सकते हैं आपको कितना लेग रूम मिल रहा है। फूड रूम अच्छा है, नीचे तो काफ़ी स्पेस है, लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पे कंजस्टेड हो गया हूँ। पर मुझे नहीं लगता कोई इतना हेल्दी इंसान आगे बैठेगा कि आपको सीट पूरी पीछे लेना पड़े, थोड़ा तो आप आगे ले ही सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे जैसा इंसान ही आगे बैठा हुआ है तो पीछे काफ़ी लेग रूम मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है लेकिन फिर भी अच्छा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें मिल जाते हैं इसमें चारों भी, ये ऊपर ही है शायद, हाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें इसमें मिल जाते हैं। 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट हमें मिल जाते हैं। आइसोफिक्स स्टाइल सीट हमें इसमें मिल जाता है। सीट की कुशनिंग अच्छी है। अब एक चीज़ जो मैं इम्पॉर्टेंट है काफ़ी वो आपको बताना चाह रहा था, अभी बता देता हूँ, इसकी कलर स्कीम के बारे में। जो इंटीरियर का कलर हम देख रहे हैं यहाँ पे सीट के ऊपर, आपको ओशियन ब्लू कलर का थोड़ा टेक्सचर दिख रहा है। डोर्स के ऊपर भी ओशियन ब्लू कलर दिख रहा है पूरा। अगर हम इसके दूसरे कलर लेते हैं या दूसरे वेरिएंट लेते हैं तो हमें कलर स्कीम क्या मिलेगी? आपने फियरलेस में भी देखा होगा कि पर्पल इंटीरियर आता है पूरा, तो वो चीज़ समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया है, 3 कलर इसके बेस वेरिएंट से ही हमें अवेलेबल है, एक रेड है, ग्रे है, वाइट है। और उसके बाद में जो वेरिएंट आते हैं टॉप 3, उसके अंदर हीरो कलर इन्होंने एक रखा है। एक कलर जो है वो एक्सक्लूसिव है, वो कलर आपको सिर्फ वही वेरिएंट में मिलेगा। जैसे प्योर ग्रे के अंदर आपको एक ग्रे कलर आता है, उसका इंटीरियर ग्रे आएगा, तो वो आपको सिर्फ प्योर में ही मिलेगा। और अगर आप प्योर ग्रे में कोई और इंटीरियर कोई और कलर लेते हैं तो फिर उसका इंटीरियर वैसा नहीं आएगा। इस तरह हम जो गाड़ी देख रहे हैं यह है क्रिएटिव ओशियन, हम इसमें इसका हीरो कलर देख रहे हैं ओशियन ब्लू, इसलिए हमें इसका इंटीरियर जो है वो ब्लू कलर का मिल रहा है। डैशबोर्ड पे भी पूरा ब्लू फिनिश मिल रहा है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट के अंदर कोई और कलर लेते हैं, मानो आपने रेड ले लिया या आपने ग्रे ले लिया, तो फिर उसके अंदर आपको ब्लू कलर का इंटीरियर नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको थोड़ा लाइट ग्रे वाइट टाइप कलर का इंटीरियर उसमें आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर जो टॉप वेरिएंट है इसका फियरलेस, उसमें आप पर्पल कलर लेते हैं तो ही आपको पर्पल इंटीरियर मिलेगा, और अगर आप पर्पल कलर नहीं लेते हैं तो फिर आपको उसमें पर्पल कलर का इंटीरियर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से गाड़ी लेते टाइम पे देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी। मैगजीन होल्डर इसमें नहीं मिल रहा है मुझे, तो थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, बहुत काम में आता है वो। यह है इसके रियर के AC वेंट्स, और यहाँ पे कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ डमी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन जो ऐसा मैं पहले भी बताया, पीछे एक एक्सेसरी सॉकेट है, तो वहाँ पे आप चार्जिंग चार्जर लगा के अपना मोबाइल पीछे भी बैठ के चार्ज कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। सेंटर आर्मरेस्ट इसमें नहीं मिलता है, वो भी आपको फियरलेस में मिलेगा सेंटर आर्मरेस्ट, उसमें 2 कप होल्डर भी आ जाते हैं। फियरलेस का वीडियो भी हम बनाएंगे तब मज़ा आएगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। हेडरूम की अगर बात की है तो हेडरूम मुझे इसमें बना के दिया हुआ है, कंपनी ने हेडरूम स्पेशल बना के दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा स्कूप आउट किया है इसको, यहाँ पे मैं बैठूँ तो ठीक है, हेड अच्छे से आ गया मेरा। 6 फीट हाइट के हिसाब से मैं टच हो रहा हूँ ऊपर। अगर किसी की हाइट मुझसे ज़्यादा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और किसी की हेल्थ ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब हेल्थ ज़्यादा रहेगा तो इंसान अपने जब बैठता है तो अपने आप थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। तो भी आप अच्छे से बैठ के एक बार देखिए गाड़ी लेने के पहले। डीलरशिप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा जो इसके वेरिएंट्स की प्राइसिंग है वो भी वीडियो के एंड में आप पूरी देख सकते हैं, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो चलिए अब इसका हुड ओपन करते हैं। काफ़ी हेवी हुड है, इंसुलेशन मिलता है हमें इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का, इसमें हमें 1.5 लीटर रिवोटॉर्क 4 सिलेंडर का भी ऑप्शन मिलता है। जो पेट्रोल इंजन है वो 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जो डीजल इंजन है वो 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन में हमें पेट्रोल में 5 MT का ऑप्शन मिलता है बेस वेरिएंट में, उसके बाद आपको 6 AMT और 7 DCA का ऑप्शन भी इसमें मिला है, जो मुझे बहुत पसंद आया।
डीजल इंजन के अंदर आपको 6MT और 6AMT का ऑप्शन मिलता है। डीजल इंजन में आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, और कौन से वेरिएंट में कौन सा इंजन इसका अवेलेबल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सब था इसके इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम इसकी सेफ्टी की बात करेंगे। टाटा की गाड़ी है इसलिए सेफ्टी में तो कुछ देखना नहीं पड़ता है। नेक्सॉन वो पहली गाड़ी थी ओल्ड वाली जिसे सेफ्टी में 5 स्टार मिले थे इंडियन ओरिजिन की। ये नेक्सॉन का फेसलिफ्ट है। मैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी देख के ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसे भी 5 स्टार मिलेंगे। भारत एनकैप से रेटिंग आएंगी या ग्लोबल एनकैप से आएगी इसका हम वेट करते हैं। और इसमें हमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग ऑफर किए हुए हैं जो मुझे बहुत पसंद आया। ABS विद EBD मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलते हैं, 360 कैमरा है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर में अगर आप कोई भी इंडिकेटर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको साइड का विजिबिलिटी आ जाएगी, बाहर का कैमरा ऑन हो जाएगा। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जो ड्राइवर को नहीं दिखता है वो उसे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, और बाकी के जो भी सेफ्टी फीचर्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस गाड़ी में मुझे क्या पसंद आया है और क्या पसंद नहीं आया है। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है जो पसंद आई है, नहीं पसंद आने जैसे तो गाड़ी में कुछ नहीं है। बहुत एडवांस गाड़ी है, गाड़ी का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा है, और स्पेशली ये क्रिएटिव ओशियन जो कलर है ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। टॉप वेरिएंट में ये अवेलेबल नहीं है लेकिन इस वेरिएंट में ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिक्वेंशियल LED DRLs मिलते हैं, डायनेमिक इंडिकेटर्स मिलते हैं, 360 कैमरा मिल रहा है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल रहा है, ये सब चीज़ें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी है। LED हेडलैम्प का सेटअप है, फ्रंट पे भी कैमरा है, फ्रंट पे भी पार्किंग सेंसर है, ये चीज़ भी मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद में रेन सेंसिंग वाइपर हमें मिलता है। जो इसका स्टेयरिंग व्हील है 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा है। Hyundai Verna में भी 2-स्पोक आया था लेकिन वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। इसमें जो दिया हुआ है इसमें जो न्यू इल्यूमिनेटेड लोगो है ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसका कलर स्कीम जो है इंटीरियर बहुत प्रीमियम फील होता है। इसका गियर नॉब इसमें तो इस तरह का दिया हुआ है लेकिन आप फियरलेस में जो देखेंगे वो बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रीमियम लगता है। और वेंटिलेटेड सीट्स फियरलेस में मिलती है इसमें नहीं है, इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट हमें मिल जाती है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत इसमें अच्छी लग रही है। सनरूफ भी अच्छा है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ये चीज़ भी मुझे इसमें बहुत पसंद आई है। अब जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है, असल में पसंद नहीं आना ऐसा नहीं है लेकिन मुझे एक फिक्र है कि ये जो इसमें पैनल दिया हुआ है और उसके बाद में जो AC के कंट्रोल्स के लिए भी एक टच पैनल दिया हुआ है, ये आज से 2 साल जब हम गाड़ी को यूज़ कर लेंगे या 1 साल यूज़ कर लेंगे तो उसका क्या होगा, ये चीज़ मुझे थोड़ा सता रही है। तो जिन्होंने नेक्सॉन परचेस किए हैं वो अपना एक्सपीरियंस, आपको 1 महीना अगर हो गया है तो कमेंट में बताइए कि इस पर कुछ स्क्रैचेस आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी टच किया तो उस पर मेरे फिंगर के मार्क्स दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करते रहेंगे, समझो 1 साल हो गया हम यूज़ कर रहे हैं, हम हॉर्न प्रेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो इसका हल क्या होगा, इस पर स्क्रैचेज आएंगे क्या, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा फिक्रमंद कर रही है। उसके बाद में एक चीज़ मुझे तो थोड़ी वो लगी कि जो हज़ार्ड लाइट बटन है वो टच पैनल पर देने के बजाय कहीं ऊपर दिया हुआ रहता, जैसे रेगुलर गाड़ी में आता है तो थोड़ी आसानी होती थी, क्योंकि हम बातें करते हुए कुछ भी करते हुए उसको फटाक से टच कर देते थे, बटन प्रेस कर देते थे, वो ऑन हो जाता था। लेकिन टच पैनल पर टच करने के लिए हमें उससे पहले देखना है कि हमारी फिंगर बराबर जा रही का या फिर हम कहीं और तो टच नहीं कर रहे। ये चीज़ बस दो चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सता रही है, बाकी तो गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है जो पसंद ना आए, ये सब मुझे गाड़ी में बहुत अच्छा लगा है। और दूसरी बात एक और करना चाहूँगा कि ये जो लेदरेट फिनिश है मुझे इससे गंदा होने का डर लग रहा है। जैसा आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि थोड़ा मिट्टी जैसा कुछ लग रहा है, तो आपको इसकी क्लीनिंग मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फियरलेस लेते हैं तो फियरलेस में ये पर्पल फिनिश आ रही है, उसमें ये टेंशन नहीं रहेगा। तो वो इस हिसाब से मैं उस इंटीरियर को प्रीफर करता हूँ जो फियरलेस में मिलता है। तो दोस्तों ये सब था नेक्सॉन के बारे में, नेक्सॉन के फेसलिफ्ट के बारे में। जो चीज़ें मुझे पसंद आई है वो देखिए, गाड़ी जो हम गाड़ी देख रहे थे वो अंदर खड़ी हुई है। हम प्रथम मलिक मोटर्स पे आए थे टाटा के। आप जो भी गाड़ी का आपको इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप टाटा की कोई भी गाड़ी के लिए सफारी है, पंच है, टियागो है, सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, आप आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको जो भी रिव्यू चाहिए उसे कमेंट कीजिए। और गाड़ी का माइलेज जिन लोगों ने परचेज़ किया है नेक्सॉन को, तो माइलेज कितना दे रही है इसे कमेंट में बताइए, क्योंकि रियल माइलेज तो हमें इसके ओनर से ही पता चलता है। सो थैंक यू अगेन।